wearing Mishu? Already hi. I'm not going anywhere. You're not going anywhere? No, we're staying inside. We are staying inside? I'm not staying outside. I'm staying in the garden. In the garden. Okay. Little bit, and then? You have any idea what Papa is going to do now? No. Papa is going to clean the garden. तो तैयार होगा साफ करने के लिए गार्डन कितनी बार हो हाँ देखो दिखाओ दिखाओ मिशु मिशु का दिखाओ 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 हाँ शाइन हो रहा है उसको मेरा आपको भी हो रहा है मेरे को अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर आपको हो रहा है बहुत ज्यादा हो गया दिख रहा है ये सब पूरा निकालना है यहाँ पर ही ना सुनो ये है क्या वैसे अगर कुछ खाने का चीज है तो रख सकते हैं नहीं बाबा पता नहीं क्या पालक जैसा लग रहा है मेरे को ये पालक नहीं ये लेटस लग रहा है मेरे को है वो, हाँ लेटस है ना पता नहीं कौन सा लेटस है अच्छा है नहीं है खुद उगाया तो समझ में आता है और पुदीना समझ में आता है कि पुदीना है क्लियर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है श्योर नहीं है अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग तो आज संडे का दिन है हस्बैंड फ्री है तो मैंने बोला थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ कर देने के लिए काफ़ी गंदा हो गया है हमारा गार्डन और ये सब जो है ना आप देख रहे हो जो पुराने टेनेंट थे उन्होंने उगाया था और हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा चीज़ क्या है तो हम सब निकाल देंगे और फिर से नया फ्रेश प्लांटिंग करेंगे और यहाँ बच्चे सब हेल्प कर रहे हैं पापा को क्लीन करने में और सामने जो आप प्लांट देख रहे हो ना ये एक्चुअली रोज़ प्लांट है तो मैं इसे नहीं निकालूंगी लास्ट ईयर मैंने देखा था पिंक कलर के गुलाब इसमें आ रहा था खिल रहा था तो मैं इसे रहने दूंगी बाकी सब मैं साफ करवा दूंगी मिशु डोंट गो इनसाइड मिशु जब तक ना मिशु यू लाइक स्नेल मिशु मिशु यू हेल्पिंग पीछे आओ मां पीछे आओ यू हेल्पिंग पापा और मैं कब से सोच रही थी यहाँ पे ना किचन गार्डनिंग करूंगी किचन में यूज होने वाला सारा सामान मैं यहाँ पे उगाऊंगी तो फाइनली आज हस्बैंड रेडी हुए ये सफाई करने के लिए और यहाँ मिशु को एंगेज कर रहा है पानी देकर ताकि वो हमें काम करने दे नहीं तो काम नहीं करने दे रही है वो वाह मिशु वाह डोंट गिव बात टू मम्मा ओके टू स्नेल ओनली पापा के मुंह मिशु व्हाट हैव यू डन यू गिव हाफ बात टू पापा और अभी ना सुबह के 11 बज रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ स्नैक वगैरह बना दूंगी स्नैक मतलब मैं सोच रही हूँ स्मूदी बोल बनाऊंगी क्योंकि नाश्ता तो ये काम करते करते इनका हजम हो जाएगा तो जब आएंगे तो वो स्मूदी बोल रेडी रहेगा तो खा सकते हैं क्योंकि भूख बहुत लगने वाली है बहुत मेहनत का काम है ये और कल ना अलीना का रेसिडेंशियल ट्रिप है मतलब स्कूल से लेकर जाया जा रहा है 2 दिन के लिए अलीना हमसे दूर रहेगी 2 नाइट्स का स्टे है बाहर में तो वो सब मैं शेयर करूंगी आपसे तो पहले मैं स्मूदी बोल बना देती हूँ तो मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और अवाकाडो निकाल लेते हैं मैं अवाकाडो स्मूदी बोल बनाने वाली हूँ बहुत ही यम्मी लगता है अवाकाडो पका हुआ जो होता है तो और इस तरह का होना चाहिए देखिए ब्लैक थोड़ा हो जाए ना इस तरह से डार्क जब कलर हो जाए तो वो खाने के लिए रेडी है ग्रीन ग्रीन अगर आप यूज़ करोगे तो वो कच्चा रहता है तो कुछ लोग पूछ रहे थे कैसे आप अवाकाडो को ब्लैक करते हो तो कुछ करना नहीं है जस्ट आपको बाहर रखना है फ्रिज में मत रखिए आप 2-3 दिन बाद आप देखेंगे ना वो अपने आप ही उसका कलर चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद वो रेडी टू यूज़ होता है और मैं इस तरह से ना स्कूप कर लेती हूँ स्पून से तो अच्छे से पूरा निकल जाता है ये और वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है देखिए इस तरह से और जो बचा हुआ है ना वो भी आप निकाल सकते हो स्कूप करके स्पून से इस तरह से तो 0 वेस्टेज होता है इस तरह से और 2 लोगों के लिए ना 2 अवोकाडो सफिशियंट होता है क्योंकि ये केला वेला भी डाल अगर आप डालोगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा केला भी ऐड करूँगी मिठास के लिए और आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो आपकी मर्ज़ी तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है मिक्सी जार मुझे 2 बार पीसना पड़ेगा मिक्सी जार छोटा है इसलिए और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध आप चाहो तो इसमें सोया मिल्क या आमंड मिल्क ये सब भी यूज़ कर सकते हो मैं ये लो फैट वाला मिल्क यूज़ कर रही हूँ और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हनी और अगर चाहो तो आप हनी स्किप भी कर सकते हो क्योंकि अगर मीठा वाला केला डालते हो ना तो मिठास खुद ब खुद होता है बट हमने हल्का सा डाल दिया तो बस यहाँ पे हाफ केला मैंने डाल दिया है इसमें डाल के अच्छा सा इसको ब्लेंड कर लेंगे और बहुत अच्छा सा ना थिक स्मूदी बनकर रेडी हो जाता है ये देखिए इस तरह से बनाना है कंसिस्टेंसी ताकि आप चम्मच से उसे खा सको तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसे थोड़ा स्मूथ कर लेंगे चम्मच की मदद से और दिखने में भी ना बहुत अच्छा लगता है
तो यहाँ मैंने स्मूथ कर लिया है। अब यहाँ पे अपने आप पसंद का कोई भी टॉपिंग्स आप यूज़ कर सकते हो, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है, जो भी नट्स पसंद है, आप चाहो तो इसमें मूसली भी डाल के वो खा सकते हो। मतलब ब्रेकफास्ट के लिए भी ना परफेक्ट है ये। अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहो, आप अगर अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हो, तो परफेक्ट एक ब्रेकफास्ट मील है ये। तो यहाँ पर ना मैंने चिया सीड्स डाल दिया है। चिया सीड्स को आप ऐसे ही खा सकते हो किसी भी चीज़ में स्प्रिंकल करके, और साथ में थोड़ा ड्राई फ्रूट्स है, आमंड एंड कैश्यू नट, वो भी मैंने डाल दिया है। और देखिए कितना हेल्दी सा हमारा स्मूदी बोल बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। और मुझे इतना ज़्यादा मैं नहीं खा सकती, मतलब बोल में तो मैं थोड़ा सा ग्लास में लेकर खा लूँगी। तो जस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा चिया सीड्स। और ये रेडी करके ना मैं यहाँ पर आ गई थी इनको बुलाने के लिए, तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, पूरा काम करने के बाद ही जाएंगे एक ही बार, मतलब काम ख़त्म करके। तो काफ़ी मेहनत हो गया, और हम सोच रहे थे किसान कैसा काम करते हैं खेत में, मतलब कितना मेहनत होता है उनको। थोड़ा समय हमारी हालत ख़राब हो रही थी यहाँ पर, तो फाइनली बहुत सारा यहाँ पर सफाई हो गई है। बड़े बड़े जो थे ना रूट्स के साथ नीचे में सब निकल गया है। और यहाँ मीशू अभी भी स्प्रे के साथ खेल रही है, इसलिए हमने इंगेज किया था इसे ताकि हमें काम करने दे। और देखिए यहाँ पे पूरा साफ़ हो गया है, बहुत मेहनत का काम था सच में। बड़ा बड़ा ना मतलब रूट अंदर तक था, निकल नहीं रहा था, खोद खोद के निकालना पड़ा है, तो अच्छा खासा टाइम लगा, बट फाइनली हो गया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसमें सीड्स डालने के लिए। अच्छा। और यहाँ पर अलीना इतनी एक्साइटेड है ना ट्रिप में जाने के लिए, सब देख रही है वो कहाँ पे लेके जाया जाएगा, उसे क्या क्या होने वाला है, तो पूरा है मतलब वीडियोस यहाँ पे, तो वही सब वो चेक कर रही थी। कर पाऊंगी है? और ना वर्चुअल टूर भी दिया गया है, आप देख सकते हो बच्चे को कहाँ पे रखा गया है, कैसी जगह है। जैसे देखिए बेड वगैरह यहाँ पे है, तो ऐसे ही रूम रहेगा, चार लोग रहेंगे एक रूम में, तो उसकी चार फ्रेंड्स है साथ में रहेंगे, तो बहुत सारी प्लानिंग है इनकी। और खाने वाने का भी इंतज़ाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे रखा जाएगा बच्चों को, देखिए इस तरह से रूम है, चार बेड है मतलब बंक बेड है, दो दो चार लोग यहाँ पे रहेंगे। और इनका तो पूरा प्लानिंग हो गया है कौन कौन से फ्रेंड साथ में रहेंगे। और यहाँ पे देखिए सब कुछ वर्चुअल टूर है, बाथरूम वाथरूम सब दिखाया गया है, तो पूरा आप देख सकते हो। और यहाँ पर ना बाहर में क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है इनकी, वो सब दिया गया है यहाँ पे। और अब मैं जा रही हूँ ना किचन गार्डनिंग के लिए, सारा सामान मैंने निकाल लिया है। जैसे ग्रीन चिलीज बहुत तीखा वाला मैंने मंगाया था ताकि तीखी मिर्ची मैं उगा सकूँ गार्डन में, और इसका सीड्स निकाल लेंगे। तो सीड्स हमें बहुत केयरफुली निकालना है, सीड्स को डैमेज नहीं करना है, तो आराम से निकाल लेते हैं हल्का हल्का। तो इस तरह से ना छुरी की मदद से मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ना मैंने पूरा मिर्ची को खाली कर दिया है, तो दो तीन मैं करूँगी और तो हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो इस तरह से मैंने सारा मिर्ची को खोल के निकाल लिया है बीज। और धनिया को ना थोड़ा अलग तरीके से मैं उगाऊंगी। मैंने सुना है कि अगर धनिया को आप थोड़ा खोल देते हो उसके बीज को, तो जल्दी आ जाता है, जल्दी ग्रो करता है। तो मैंने धनिया लिया है यहाँ पर, और अच्छे क्वालिटी का धनिया है, इसमें डाल के जस्ट बेलन से ना इसे देखिए धनिया इस तरह से गोल गोल दिख रहा है ना, उसे हाफ में ब्रेक करना है हमें। तो देखते हैं बेलन से दबा कर ये टूटता है या नहीं। तो हल्का हल्का बेलन डाल के इस तरह से चला लेंगे, हमें सीड को डैमेज नहीं करना है, जस्ट हल्के हाथों से ना इसे चला लेना है। देखिए इस तरह से ये खुल गया है अभी पूरा, हाफ हाफ हो गया है। तो इस तरह से अगर डालोगे ना तो जल्दी आता है प्लांट्स। और मैंने ना बहुत सारा धनिया लिया है, मैं दो जगह डालूंगी, एक ही जगह पे मैं दो जगह डिवाइड करके डालूंगी। और इसे बहुत सारे लोग ना गीला भी करके रख देते हैं टिश्यू पेपर में या फिर ऐसा किचन टॉवल में, और नेक्स्ट डे फिर डालते हैं, तो गीला धनिया भी जल्दी होता है, बट मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। तो बस हमारा धनिया और मिर्ची दोनों ही रेडी हो गया है डालने के लिए। मिर्ची को मैंने चार मिर्ची इस तरह से मैंने खोल लिया है। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पिनेच टमाटर और कैरेट के बीज है, मैं लेकर आई थी, तो इसे भी लगा देंगे। तो अब आ गई थी मैं गार्डन में।
और हमें नहीं पता ये मिट्टी इतना अच्छा है नहीं है, बट बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हुए मतलब दिखा है हमें, तो शायद अच्छा ही होगा। तो हमें कुछ फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट मिट्टी को ना थोड़ा लूज़ करना है, मतलब ढीला करना है मिट्टी को, दबा हुआ मिट्टी अच्छा नहीं होता है ये सब प्लांट्स ग्रो करने के लिए। तो हल्का सा मिट्टी मैं खोद लूँगी और चारों तरफ घूम घूम कर जहाँ जहाँ मुझे ना प्लांट लगाने हैं, तो इस तरह से कम 3-4 इंच का मैं मिट्टी खोद रही हूँ अंदर अंदर से। और ये बिल्कुल दब गया है क्योंकि मीशू ने पूरा पानी डाल दिया था ना, तो पूरा ये दब गया है मिट्टी अंदर गीले होने की वजह से। और अब मिट्टी को लूज करने के बाद मैं यहाँ पे धनिया डाल रही हूँ फैला फैला कर थोड़ा, तो इस तरफ धनिया उगाने का सोचा है मैंने, और एक दूसरी तरफ भी धनिया डालूंगी और मिर्ची उस तरफ डालूंगी, तो इस तरह से डाल देते हैं। धनिया मैंने दुबई में भी उगाया था गार्डन में बालकनी में, अच्छे से आ गया था, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह अच्छे से आ जाएगा, इतनी मेहनत कर रही हूँ। और इस तरफ भी मैं धनिया ही डालूँगी। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है पूरा, और पूरा डालने के बाद ना एक साथ में कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं हल्के हाथों से जस्ट हल्का हल्का मिट्टी डालना है इसके ऊपर, इतना ही मिट्टी डालेंगे कि जस्ट ये धनिया मतलब दिखे ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर डालोगे ना तो फिर वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं करता है, टाइम लगता है। यहाँ पर मैं मिर्ची डालने वाली हूँ, तो मिर्ची के लिए मिट्टी खोद रही हूँ, और कैरेट का सीड ना मैंने पहले कभी नहीं देखा है, तो देखते हैं कैसा होता है कैरेट का सीड। तो छोटे से पाउच में यहाँ पर है देखिए, तो कैरेट को डालने के लिए मिट्टी खोद लेते हैं अच्छे से। और बहुत सारा ना लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन कैसे क्या करना है, बट इतना फॉलो नहीं कर सकते, तो बस जस्ट मैं मिट्टी खोद के मैं डाल दे रही हूँ। और देखिए कैरेट का सीड कुछ इस तरह से दिखता है, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, आप लोग भी देखिए, बिल्कुल अजवाइन जैसा दिख रहा था, तो यहाँ पर ना मैं डाल दे रही हूँ। और ये है टमेटो, मतलब एक एक पाउंड में ना यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था, तो मैं सब लेकर आ गई, मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत मन कर रहा था ये सब गार्डनिंग करने का, सारा प्लांट्स उगाने का जो हम किचन में खाना बनाते हैं। तो देखिए इतना सा ही दिया, मुझे लगा बहुत सारा निकलेगा, तो बस 5-6 ही दिया गया है इसमें, देखिए इतना सा ही है, तो डाल देते हैं। और ये स्पिनच पीट है, इसे भी डाल देते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है स्पिनच बीट, तो इसे ये बहुत सारा दिया है, तो इसे भी डाल देते हैं फैलाकर। तो स्पिनच बीट को भी ना इस तरह से फैला के मैंने डाल दिया है, इतना सारा तो उगा रही हूँ, देखती हूँ क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और इसे हल्का हल्का सब बस कवर कर देंगे मिट्टी से ढककर, तो ये जो हमारा काम था ना खत्म हो गया है। मेरा मन था लेमन उगाने का भी, तो हस्बैंड बोल रहे रुक जाओ इतना पहले देखो क्या आता है क्या नहीं आता है, उसके बाद में कर लो। तो यहाँ पे बस अब थोड़ा हम लोग वाटर स्प्रे कर देंगे, तो अच्छे से ना मैं वाटर डाल दूंगी हल्का हल्का। और धनिया मुझे लगता है 1 वीक में दिखेगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और बाकी का मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। और यहाँ अलीना अपना बैग पैक कर रही है, एक्चुअली स्कूल से लेकर जाया जा रहा है उन लोगों को, बच्चों को रेजिडेंशियल ट्रिप पे, मंडे जाकर वेडनेसडे को आएगी, तो कल मंडे है तो परसों वापस आएगी। और फर्स्ट टाइम इस तरह से ना अलीना अकेले कहीं जा रही है, वरना हम हमेशा साथ रहते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में ना परमिशन नहीं दे रही थी, मुझे थोड़ा डर लगता है, बट इसके फ्रेंड के पेरेंट्स से बात करने के बाद थोड़ी तसल्ली हुई, तब जाकर हमने परमिशन दिया। और बोल रहे थे सब कि यहाँ बहुत सेफ़ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, टीचर्स लोग बहुत ख्याल रखते हैं बच्चों का, तो मुझे तसल्ली हुई, तब जाके हम अग्री हुए। तो फाइनली फर्स्ट ट्रिप है ये अलीना का हमारे बगैर। और इस तरह का जो स्कूल ट्रिप होता है ना, बहुत कुछ बच्चों को सीखने को ये मिलता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। तो बस 2 दिन का ट्रिप है ना, तो ज़्यादा कपड़े मैंने पैक नहीं किए, जितना ज़रूरत है उतना ही रख दिया है। यहाँ पर बस ठंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे समर पूरी तरह से नहीं आया अभी तक, ठंड लगती है। और कुछ टॉयलेट्रीज है लाइक सनस्क्रीन, टूथपेस्ट, बाथिंग जेल, ये सब देना है बच्चों को, यूज़ कर लेना वहाँ पे सनस्क्रीन। हाँ?
और यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर डाल दिया है, छोटा सा डब्बा, बड़ा बड़ा था मेरे पास तो मैंने छोटा छोटा सब यहाँ पे डाल दिया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक इसका टूथब्रश है। तो टीचर ने तो पूरा लिस्ट दिया था, मतलब चेक लिस्ट करके हम सब रख रहे थे और कौन क्या क्या लेके जाना है क्या है सब, पूरा उन्होंने लिस्ट दिया था तो उस हिसाब से हमने पैकिंग कर ली है। और ये हैट है, अगर धूप तेज हुआ तो हैट लगा के जा सकती है। और स्विमिंग वगैरह भी करवाएंगे वहाँ पे, मुझे बता मेरे फ्रेंड राधिया ना फ्रेंड बोल रही है कि स्विमिंग काम करवा स्विमिंग पूल जा सकते हैं। स्विमिंग पूल और कहीं भी जाओ, पूछ के जाओ टीचर से, यहाँ वहाँ भागना मत। स्विमिंग क्या था सैंडविच जैकेट जाके जरूरत है, जैकेट अंदर रहेगा कभी जरूरत पड़े। ये हमारे थी सेम जैकेट वाला दीजिए, ब्लैक वाला चाहिए, पकड़ लो, ये जरूरत नहीं वाला हमको, एक्स्ट्रा रख लो ना, जरूरत पड़ा कुछ भीग गया कुछ हो गया तो तुम पहन सकती हो, सूटकेस में तो रहेगा, क्या दिक्कत है तुमको, एक बार जाओगे सूटकेस तुम्हारे बेडरूम में रहेगा, सूटकेस तुम्हारे बेडरूम में रहेगा, अगर अगर गीला हो गया तो, वो भी कुछ हो गया तो, ये रख लो एक रोल कर लो उसको, बेस्ट है, निकालो तुम, निकालो शूज निकालो, इसको इसके ऊपर रखो। और यहाँ पर ना टॉवल्स और घर में पहनने के लिए चप्पल स्लीपर मतलब ये सब भी लिखा था लिस्ट में, और दो जूते मतलब एक तो पहन के जाएगी और एक शूज़ एक्स्ट्रा हमने दे दिया है कभी ख़राब वराब हो गया तो, इसलिए तो ये सब पैकिंग हो गया है लीना का ऑलमोस्ट। और मैं सोच रही थी ना अगर चली भी गई तो कोई बात नहीं, कॉल पे ऐसा टीचर को कॉल करके बात कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, उन लोगों ने बोला आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते हो, कुछ इमरजेंसी हुआ तो वो लोग खुद कॉल करेंगे या फिर कुछ इमरजेंसी में ही आप कॉल कर सकते हो, ऐसे ही जस्ट बात करने के लिए आप कॉल नहीं कर सकते हो, तो ये एक एक टेंशन वाली बात है मतलब। तो उसके पापा बोल रहे थे 2 मिनट तो बात करने देना चाहिए बच्चों से दिन में, एक 2 मिनट में क्या हो जाता, बट अलाउड नहीं है। और अब अलीना अपना सूटकेस को सजाने वाली है तो स्टिकर्स निकाल रही है, इससे पहले उसने स्टिकर्स लगाया था पूरा, मिशू ने निकाल दिया स्टिकर्स उसके सूटकेस से, तो फिर से वो निकाल रही है तो ये सब लगाएगी, उसका सूटकेस बोल रही है बहुत खाली खाली लग रहा है। तो यहाँ पे ना सारे कंट्री का सिंबल वाला स्टिकर है और लेकर आई थी दुबई से लेकर आई थी वो, ये तो यूज़ नहीं हुआ था अभी तक तो अभी लगा रही है यहाँ पे। और थोड़ा सा पैसा भी देके भेजने के लिए बोला गया, कुछ अगर उसे लेना हुआ वहां से तो वो ले सकती है। 5 पाउंड ना सकता हूं, कॉइंस चाहिए वीडियो में, 5 पाउंड नोट है मेरे पास, हां बस 5 पाउंड ज्यादा चेंज रखो और बड़ा नोट कम रखो, ज्यादा फायदा रहेगा, बड़ा बड़ा नोट काम नहीं आएगा तुमको, हम 5 पाउंड नोट रखेंगे और कॉइंस रखो ज्यादा। और इंडिया में ना नोटों पे गांधी जी का फोटो रहता है, यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ का, तो सब पैकिंग हो गया लीना का फाइनली। कितना दे रहे हो उसके पास, वो है उसके पास रिच है, ऑलरेडी रिच है वो। तुम रिच ना, कितने बजे उठना कल, एक्साइटेड हो कल के लिए? हाँ क्या वो लास्ट ईयर ना सितंबर को, सितंबर में हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन आया ना, हम लोग थे कि कितना 10 मिनट बचा हुआ जो एक छोड़ दिए, अभी नेक्स्ट डे जल्दी टाइम पास हो गया ना, पता नहीं चल रहा। चलो अब ये रख दो साइड में सूटकेस को, उन पे खड़ा करके और स्कूल में जाओ। अजीब लग रहा है स्कूल में छुट्टी पर, तुम बैग लेके जाते हो सूटकेस लेके जा रहा है आज। हां तो भी है ना, जरूरत है ना लेके जाने का, और बच्चे लेकर आएंगे अजीब, और बच्चे कोई मुझे कोई कोई से बैग लेकर, बड़ा बैग सूटकेस अच्छा है, बड़ा बैग ये पहले सोची थी अली नहीं लेकर जाएगी, फिर बोले नहीं सही नहीं है ये वाला बैग सही है, जैकेट रख लेती तो अच्छा होता, कभी रात में अगर ठंड लगा एक्स्ट्रा तो पहन के सो सकती थी। याद करोगी मम्मा पापा को वहाँ पे, नहीं सुन रही हो ना, याद करोगी, बोली थी मम्मा, बोले थे पापा लेने के लिए नहीं लिए, देखना तुम याद करोगी। आज अलीना बोले रात नींद नहीं आई, एक्साइटमेंट के मारे नींद नहीं आ रही है ना। 10 बजी है वही, जो सो जाओ वही बोल रहे हैं, नींद नहीं होगा ना तो अच्छा मूड नहीं रहता, सो जाओगी फ्रेश रहोगी सुबह मजा आएगा, जाओ सो जाओ। तो टीचर ने बोला है ना अलीना को टिफिन मतलब टिफिन बॉक्स देके भेजने मना किया गया है, क्योंकि फिर टिफिन धोना होने का झमेला हो जाएगा, तो जस्ट इस तरह से मैंने अंडा पराठा दे दिया है उसे और थोड़ा नगेट्स वगैरह मैंने एयर फ्राई कर दिया था, तो एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके दे दूंगी। और अलीना उठ गई है, वो रेडी हो गई है जाने के लिए, और गई है पापा के साथ थोड़ा स्नैक्स लाने के लिए, मतलब चिप्स वगैरह कुरकुरे चिप्स ये सब, तो वही अभी गई और मैं यहाँ पे उसकी पैकिंग कर रही हूँ टिफिन वगैरह, तो इसे ना जिप लॉक बैग में डाल के दे दूँगी, वरना नहीं तो खुल गया तो गिर जाएगा पूरा। तो बस यहाँ पे अलीना का टिफिन रेडी हो गया है,
और मैं यहाँ अलीना का वेट कर रही हूँ कि कब आएगी। एक्चुअली अलीना का क्लास लगता है 8:45 बजे। 8:45 बजे मतलब स्कूल टाइमिंग में बुलाया उन लोगों को, और 15 मिनट सिर्फ बचा हुआ है, अभी तक आई नहीं। तो मैं विंडो के पास खड़ी होकर ना वेट कर रही थी मीशू, और मैं देखिए सारा स्नैक्स वगैरह लेकर आई है वो। यस मिशु, मिशु आपके विल बी अवे फॉर 2 डेज। कम पापा। और कैसे भी हमने जैकेट तो रख ही दिया उसके बैग में अलीना मना करने के बावजूद भी। तो यहाँ पे ये बॉटल भी नया लेकर आए, हल्का बॉटल है ये, प्लास्टिक का नहीं। तो उसके पास ना मेटल का सा बॉटल था तो भारी हो जाता है। तो बस अलीना जाने के लिए रेडी है। और अलीना के बिना हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये, 2 दिन तक हमसे दूर रहेगी ये। बात सुनना, सुनो दादा टीचर बोले ऐसे करना। ओके बाय माँ, अल्लाह हाफिज़। बाय माँ, बाय सुनो। तो अलीना गई स्कूल, मिशू उठ गई, उसे हमस रोटी ये सब खिला दिया है, उसे अच्छा लगता है हमस रोटी। और मैं किसी दिन ना अलीना मिशू का पूरा शेयर करूँगी क्या खाती है, पूरे सुबह से रात तक आप लोग पूछ रहे थे। और मैंने कॉफ़ी बना लिया अपने लिए, तो बस अभी थोड़ा एडिटिंग का काम है वो करूँगी। और अभी से ही अलीना को मिस करना शुरू हो गया, मतलब उसके पापा भी बोल रहे हैं। अभी जाके जस्ट थोड़ा टाइम ही हुआ है, बट अच्छा नहीं लग रहा है, फर्स्ट टाइम गई है ना इस तरह से। तो बस मैं ऊपर आ गई हूँ, थोड़ा एडिटिंग का काम करूँगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या खाना बनाया बनेगा। तो ठीक है, चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।